5 मई रात 8 बजे ईडी के ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल राज दिल्ली के एक रेस्टोरेंट में डिनर कर रहे थे, तभी अचानक उनके पास एक कॉल आती है। कॉल करते ही तुरंत वे डिनर छोड़कर अपने ऑफिस की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ था उस कॉल में कि कपिल राज को अर्जेंटली ऑफिस जाना पड़ा। ऑफिस पहुंचकर उन्होंने अपनी टीम के सभी मेंबर्स को कॉल किया और तुरंत रांची पहुंचने के लिए कहा, और वो खुद भी ईडी के 3 टीमों के साथ तुरंत दिल्ली से झारखंड के लिए रवाना होते हैं। सभी मेंबर्स को झारखंड के रांची में पहुंचकर मिलना था। वे अलग अलग जगह पर अलग अलग वाहनों से रांची पहुंचते हैं, कोई कार से वहां पर पहुंचता है तो कोई बस से या फिर कोई बाइक से पहुंचता है। रात के लगभग 12 बजे तक पूरी टीम रांची पहुंच जाती है, जहां उन्हें बताया जाता है कि ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, इसके बारे में किसी को कानों कान खबर नहीं होनी चाहिए। यहां तक कि इस सीक्रेट मिशन के बारे में लोकल पुलिस को भी पता नहीं चलना चाहिए कि आखिर होने क्या वाला है, क्योंकि ये एक बड़े आईएएस ऑफिसर के मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है। झारखंड में करप्शन, इलीगल माइनिंग और ब्लैक मनी का नाम आने पर या तो ईडी का नाम आता है या फिर इस ऑफिसर का। कहते हैं कि ऑफिसर ने दौलत और ताकत तो कमाई, लेकिन कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से पैसा और इज्जत दोनों खो दिया। अब सवाल यह आता है कि आखिर यह ऑफिसर कौन है जिस पर रेड करने के लिए न केवल दिल्ली के 3 टीमें आई बल्कि लोकल मीडिया और नेशनल मीडिया भी पीछे पीछे इनके घूमती रही। इस कहानी की शुरुआत होती है उत्तराखंड के देहरादून से। 7 जुलाई 1978 को एक लड़की का जन्म होता है जिसका नाम था पूजा सिंगल। स्कूल और कॉलेज को टॉप करने के बाद आईएएस की तैयारी करने वाली यह लड़की साल 2000 में महज 21 साल 7 दिन की उम्र में उस समय की सबसे यंगेस्ट आईएएस ऑफिसर बनी। इसके लिए इसका नाम निम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में सबसे कम उम्र आईएएस बनने वाली लड़की के रूप में दर्ज किया गया। स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटीज तक स्टूडेंट ऑफ द ईयर रहने वाली पूजा सिंगल की पहली पोस्टिंग झारखंड के हजारीबाग में एसडीओ के पद पर होती है, और फिर यहीं से इनका आईएएस का सफर शुरू होता है। यहां पर इन्हें एजुकेशनल डिपार्टमेंट में हो रहे एक घोटाले के बारे में पता चलता है, जिसमें सरकारी योजनाओं की किताबों को कुछ लोगों द्वारा अवैध रूप से बेचा जा रहा था, यानी ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी। ये तुरंत अपनी टीम को बुलाती है और अपनी टीम के साथ हर उस जगह पर छापेमारी करती है जहां इस अवैध काम को ऑपरेट किया जा रहा था। छापेमारी में मिली सभी किताबों को जब्त किया जाता है और ब्लैक मार्केटिंग करने वाले इन लोगों को हवालात के पीछे धकेल दिया जाता है। और फिर इस रेड की सफलता के साथ ही इनका प्रमोशन का दौर शुरू हो जाता है। इन्हें टाइटल दिया जाता है एक दबंग आईएएस ऑफिसर का। उस समय आईएएस की तैयारी करने वाले हर स्टूडेंट का सपना था कि वो पूजा सिंगल की तरह दबंग आईएएस ऑफिसर बने। इसी बीच इनकी मुलाकात होती है इनके सीनियर ऑफिसर डिप्टी कमिश्नर राहुल पुमार से, और फिर धीरे धीरे ये दोनों क्लोज आते जाते हैं और इनकी लव स्टोरी भी आईएएस कपल टीना डॉबी और अतहर खान की तरह बन जाती है। उस समय अगर सोशल मीडिया का क्रेज आज की तरह होता तो बच्चे बच्चे की जुबान पर पूजा सिंगल का नाम जरूर होता। खैर, इनकी लव स्टोरी के बारे में हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे। पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये जानते हैं कि दूसरों पर रेड करने वाली आईएएस ऑफिसर पूजा सिंगल पर इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट द्वारा रेड क्यों की जा रही थी। देखिए, ऐसा नहीं है कि शुरुआत से ही पूजा करप्शन करना शुरू कर देती हैं। इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया और ये राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में डायरेक्टर थी, तो इन्होंने यहां पर फैसिलिटी को इंप्रूव करने और मैनेजमेंट को सही करने में एक बड़ा रोल निभाया था। शुरुआती दौर इनका बहुत अच्छा था, हर तरीके से काम करती थी, गवर्नमेंट फंड से विकलांग लोगों की मदद करती थी, बेड्स की संख्या 1000 से बढ़ाकर 1500 करवाया गया वहां पर, डॉक्टर और नर्सेस की संख्या बढ़ाई गई, और जितने इन्होंने काम किए सामाजिक के काम ये लगातार शुरुआती दौर में करती रही, इनकी छवि अच्छी बन गई। अभी तक इनकी लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन अब ये समय आ गया था कि इन पर करप्शन के आरोप लगना शुरू हो गए। ये कोई छोटे मोटे आरोप नहीं थे बल्कि करोड़ों के घोटालों के आरोप थे। इन पर सबसे पहला आरोप ये लगा कि जब 2007 में खूंटी की डिप्टी कमिश्नर थी तब इन्होंने 1,43,00,000 के मनरेगा के पैसे का घोटाला किया है, और जब इन्हें लगा कि इस घोटाले पर ध्यान देने वाला कोई नहीं है तो इन्होंने इस घोटाले को कंटिन्यू रखा और लगभग 17 करोड़ रुपए जमा कर लिए। और फिर जब 2008 में इनका ट्रांसफर खूंटी में हुआ और ये खूंटी की डिप्टी कमिश्नर बनी, तो काले पैसे को छिपाने के लिए इन्होंने ये पैसा 2 एनजीओ को दे दिया, जबकि फाइल्स में ऐसा दिखाया गया कि आयुर्वेदिक औषधि वायग्रा और मूसली की खेती में ये पैसा लगाया गया, जबकि ऐसी कोई खेती नहीं हो रही थी। और फिर 2009 से 2010 तक इस घोटाले में लगभग 188 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई। मनरेगा घोटाला तब सामने आया जब पूजा सिंगल की जगह पर आए दूसरे डिप्टी कमिश्नर ने इंजीनियर्स द्वारा किए गए काम के हिसाब किताब की जांच के लिए एक इन्वेस्टिगेशन कमेटी बनाई। इस इन्वेस्टिगेशन में यह पता चलता है कि सिंगल ने मनरेगा फंड से जो फंड था, जो पैसा निकाला था, उसके बारे में अपने सीनियर ऑफिसर तक को नहीं बताया। इस मामले को लेकर 2012 में ईडी ने पूजा सिंगल के खिलाफ केस रजिस्टर किया था। उस समय झारखंड में 2010 से 2013 तक अर्जुन मुंडा की सरकार थी, उन्होंने
एसीबी यानी कि एंटी करप्शन ब्यूरो को पूजा के बारे में जांच करने का आदेश दिया, लेकिन चीफ मिनिस्टर के आदेश के बाद भी कोई ठोस सबूत न होने की वजह से और झारखंड में पूजा सिंघल की पदवी और पावर को देखते हुए एसीबी ने कोई जांच नहीं की, लेकिन उन्होंने पूजा सिंघल पर नजर रखना शुरू कर दिया और अब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को तलाश थी एक अच्छे मौके और सबूत की। इन पर एक और आरोप लगता है कि कई लोकल एरियाज में अपनी ड्यूटी सर्व करने के बाद जब पूजा सिंघल को 2012-13 में पलामू के एक जंगल का डिप्टी कमिश्नर बनाया गया तो अथॉरिटी होने की वजह से पूजा सिंघल ने अपने आसपास के एरियाज के सभी माइनिंग ऑफिसर्स को अपने अंडर में लेकर अपने सीए सुमन कुमार के जरिए कोयला, आयरन, बालू, पत्थर, लाइमस्टोन की माइनिंग करना शुरू कर दिया। माइनिंग से संबंधित कोई भी बात करने के लिए पूजा ने अपने बाऊजी की सिम अपने मोबाइल में डाली और फिर उसी नंबर से माइनिंग से संबंधित बातें होती थी, वो भी कोड वर्ड में होती थी। लेकिन पूजा सिंघल उस समय फंस गई जब इन्होंने आदिवासियों की 33 एकड़ जमीन पर प्राइवेट कंपनी उषा मार्टिन को बिना किसी सरकारी आदेश के माइनिंग के लिए उसे दे दिया, जिसको लेकर आदिवासियों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया और इस प्रदर्शन को देखते हुए वहां के डिविजनल ऑफिसर ने इसकी जांच करवाई जिसमें पूजा सिंघल को दोषी पाया गया, लेकिन इन पर कोई कार्रवाई उस समय भी नहीं हुई। अब पूजा सिंघल की इस स्टोरी का एक किस्सा ये भी आता है कि जब 2014 से 19 में झारखंड के चीफ मिनिस्टर रघुवर दास बने थे तो एक बार जब रघुवर दास जनसंवाद कर रहे थे तो इस जनसंवाद में एक व्यक्ति आता है और कहता है कि धनबाद में उसकी एक दुकान है जिस पर कुछ लोग पैसे की वसूली करने आते हैं और वे लोग बताते हैं कि ये पैसा रांची में बैठी आईएएस ऑफिसर पूजा सिंघल को देना पड़ता है। अब मजेदार बात यह है कि पूजा सिंघल खुद चीफ मिनिस्टर के बगल वाली कुर्सी पर बैठी होती है, तो यह सुनकर सभी लोग ठहाके लगाकर हंसने लगते हैं और सीएम साहब उसकी बात सुनकर हंसते हुए वहां से चले जाते हैं, लेकिन सीएम के साथ पूजा के संबंध अच्छे होने की वजह से पूजा के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जाता। अब 2019 में हेमंत सोरेन चीफ मिनिस्टर बनते हैं और पूजा सिंघल पर लगे इतने आरोपों के बाद भी इन्हें माइंस और इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सेक्रेटरी बना दिया जाता है। लेकिन अगर आपको याद हो तो ईडी की नजर पूजा पर बनी हुई थी और इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी थी और इसी इन्वेस्टिगेशन के दौरान 2020 में ईडी रोड कंस्ट्रक्शन में घटिया माल का यूज करने के चलते एक जूनियर इंजीनियर राम विनोद सिन्हा को गिरफ्तार कर लेती है। इस इंजीनियर के पास उसकी आय से 679% ज्यादा संपत्ति मिलती है और जब इस इंजीनियर से इंटरोगेशन किया गया तो पता चला कि घोटाले का 5% कमीशन इंजीनियर डिपार्टमेंट को भी जाता है और 15% कमीशन डीसी ऑफिस में दिया जाता है। जब ईडी ने इसकी जानकारी निकाली तो पता चला कि उस समय वहां की डीसी पूजा सिंघल थी और इस तरह ईडी को पूजा के खिलाफ पुख्ता सबूत मिल जाता है। लेकिन ईडी अभी भी इंतजार करती है, जब इन्हें माइन सेक्रेटरी बनाया गया तो उसमें लगभग 4,000 करोड़ का मनी लॉन्ड्रिंग का घोटाला हुआ और फिर इस घोटाले के साथ पूजा सिंघल के इस केस में मनरेगा से शुरू हुई ईडी की जांच इलीगल माइनिंग की तरफ मुड़ गई। झारखंड के कोयले खान धनबाद के बैकग्राउंड पर बनी बॉलीवुड फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर तो आपने जरूर देखी होगी। इसमें एक गाना है काला रे सैया, काला रे सैया, तन काला रे मन काला रे, काली जुबां की काली काली सैया रैया, काला बाजारी, बहुत सारी घोटाले की उसमें कई सारे गाने फेमस हुए थे। अब ये गाना माइन सेक्रेटरी आईएएस पूजा सिंघल पर 100% फिट बैठता है और अब वो दिन आ चुका था दोस्तों जब कई सालों बाद ईडी का इंतजार खत्म हुआ, यानी 5 मई 2022 की रात को पूरी टीम रांची में ही स्टे करती है और फिर अगले दिन सुबह होते ही सूरज की पहली किरण के साथ ईडी और एन इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज सीआरपीएफ और सीआईएसएफ की टीम के साथ मिलकर मनरेगा और माइनिंग घोटाले के आरोपियों पर रेड करने के लिए रवाना हो जाती है, जिसके लिए ईडी की टीम ने 5 राज्यों झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और राजस्थान में 25 जगहों पर रेड की गई, जिसमें रांची, जयपुर, दिल्ली, कोलकाता, मुजफ्फरनगर भी शामिल है। सबसे पहले ईडी की अलग अलग 3 टीमें पूजा सिंघल के बंगले पर, उनके सीए सुमन सिंह के घर और पूजा सिंघल के पति डॉक्टर अभिषेक झा के पल्स हॉस्पिटल में पहुंचती है। अब आप सोच रहे होंगे कि भैया इनकी प्रेम कहानी तो डिप्टी कमिश्नर राहुल पुरवार के साथ चल रही थी, इनके बारे में आपको बताएंगे, फिलहाल चलते हैं अपनी कहानी पर। देखिए जब ईडी की टीम पूजा सिंघल के घर का दरवाजा खटखटाती है और कहती है कि हमें आपके घर की तलाशी लेनी है, हमारे पास वारंट है, ये सुनते ही जल्द से जल्द पैसा कमाने का लालच रखने वाली पूजा सिंघल को एक जोर का झटका लगता है। इनके घर की जांच के समय एक रेड डायरी मिलती है जिसमें इस घोटाले से जुड़े हुए नेता और अधिकारियों की जानकारी भी मिलती है। उनके पति के पल्स हॉस्पिटल में हुई अचानक रेड में हॉस्पिटल में मौजूद सभी लोगों को रोक लिया गया और बिना आईडी प्रूफ दिखाए किसी को बाहर नहीं जाने दिया। सबसे ज्यादा पैसा पूजा के सीए सुमन कुमार के पास मिला। जब उससे इस पैसे के बारे में पूछा गया तो उसने बताया कि मैं कई कंपनियों का सीए हूं, तो इसमें से किसी का भी पैसा हो सकता है। इससे ईडी को समझ में आ गया कि इतनी आसानी से जानकारी मिलने वाली नहीं है और फिर ईडी ने उसके पास से 4 कारें भी जब्त कर ली और उसे भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। दूसरी तरफ पूजा सिंघल से लगभग 17 से 18 घंटे की पूछताछ की गई, जिसमें पूजा ने कोई भी इल्जाम स्वीकार करने से मना कर दिया और उल्टा ईडी के अधिकारियों को धमकाया कि ये मेरा एरिया है,
तुम मुझे नहीं जानते हो, यहां तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और फिर दिसंबर में ईडी ने उनके पति के अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर और दो जगहों की जमीन के टुकड़े को जब्त कर लिया, जिनकी कुल कीमत लगभग 82 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा उनके ससुर कामेश्वर झा के घर भी रेड की गई। इसके अलावा जहां पूजा के माता पिता और भाई रहते थे, उस जगह पर भी रेड मारी गई। इस रेड में पूजा सिंगल के सीए सुमन कुमार के रांची वाले आवास से 19 करोड़ 31 लाख नगद और 150 करोड़ से ज्यादा के अलग अलग सेक्टरों में किए गए इन्वेस्टमेंट के डॉक्यूमेंट मिले। इस छापेमारी के बाद 8 मई को ईडी ने पूजा सिंगल को पूछताछ के लिए समन भेजा और फिर लगातार 3 दिन यानी 9 और 10 और 11 मई को पूजा सिंगल से घंटों तक इंटरोगेशन किया गया। और फिर अगले दिन यानी कि 12 मई को न्यूज़पेपर की ब्रेकिंग न्यूज थी, पूजा सिंगल अरेस्टेड। और अब पूजा सिंगल को अरेस्ट कर लिया गया था सारे सबूत मिलने के बाद। इस पूरी इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि पूजा के पास 2 पैन कार्ड थे। उनके पति के हॉस्पिटल की जो जमीन थी वो विवादित थी, जिसे पूजा ने अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पति को दिलाई थी। इस जमीन को खरीदने के लिए पूजा ने बैंक से 23 करोड़ का लोन दिलवाया था। अपराध साबित होने के बाद झारखंड की स्टेट गवर्नमेंट ने पूजा सिंगल को उनकी ड्यूटीज और माइनिंग सेक्रेटरी के पद से हटा दिया। जेल पहुंचते ही पूजा सिंगल को चक्कर आ गया, जेल कर्मियों ने दवा खिलाई, तब जाकर वो होश में आई। इसके बाद वो पूरी रात मच्छर से काटने और वार्ड में पसरी गंदगी और बदबू के चलते सो नहीं सकी। सुबह जेल के जमादार पर रौब दिखाया और जेल का खाना खाने से इनकार कर दिया। पूरा का कहना है कि उन्होंने इंटरोगेशन में ईडी की टीम की हर तरीके से मदद की और आगे भी वो ऐसे ही करती रहेंगी। अभी उनका फिलहाल स्वास्थ्य सही नहीं था, जिसकी वजह से वो चाहती थी कि उन्हें जमानत मिल जाए। लेकिन कोर्ट का कहना है कि पूजा सिंगल पर गंभीर आरोप हैं और इन आरोपों के पर्याप्त सबूत भी हैं। जेल से बाहर आने के बाद वो इस मामले को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने वकील सिद्धार्थ लूथरा को तारीख पर तारीख दी जाती रही और वो तारीख पर तारीख आते रहे। वही बात करें पूजा सिंगल ने 2 शादियों की, वही बात करें अगर उनके प्यार की, उनके अफेयर की, तो पूजा सिंगल ने 2 शादियां की थी, जिनमें उनकी पहली शादी राहुल पुरवार से हुई थी जो कि 1999 बैच के आईएएस हैं, जबकि पूजा 2000 बैच की आईएएस ऑफिसर है। मतलब राहुल पूजा के सीनियर ऑफिसर थे। फिर बाद में आपसी अनबन के चलते उनके बीच झगड़े हुए और बात तलाक तक पहुंच गई। उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है आयुषी पुवार। तलाक के बाद पूजा सिंगल की मुलाकात एक बिजनेसमैन अभिषेक झा से होती है। उस समय पूजा पलामू में डिप्टी कमिश्नर थी। इनकी बातचीत की शुरुआत अच्छी होती चली गई और फिर इन्होंने शादी कर ली। अभिषेक रांची में पल्स हॉस्पिटल चलाते थे और इनके और भी कई सारे कारोबार थे। अब देखिए ईडी की जांच के बाद पूजा सिंगल की कुल संपत्ति में रांची का 80 लाख का घर, 7800 स्क्वायर फीट का एक प्लॉट, 7500 स्क्वायर फीट का एक कमर्शियल प्लॉट शामिल है, जिसकी कीमत 1,10,00,000 रुपए है। इन सब के अलावा कोलकाता में एक कार जिसकी कीमत लाखों में है। तो फिलहाल दोस्तों आज की इस वीडियो में हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच बुरी बला होती है। आज के इस सेशन में हमने यह सीखा कि किस तरीके से आईएएस ऑफिसर अपने पद और पावर का इस्तेमाल करते हुए करप्शन में डूब जाता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। इससे हमें बच के रहना चाहिए। खैर अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और किस तरीके से जो एक आईएएस अधिकारी होता है उसका पावर और रसूख होता है, पूरे जिले का मालिक होता है, लेकिन जब आपके पापों का घड़ा भर जाता है, आप अगर सत्ता का दुरुपयोग करने लगते हैं, पावर का गलत दुरुपयोग करने लगते हैं, तो समय आपका भी आता है, आपको भी सबक सिखाया जाता है। तो एक लेसन है कि आप कितने भी बड़े पद पर चले जाओ, लेकिन अगर अत्याचार बढ़ जाएगा तो आपको अत्याचार मिटाने के लिए कोई ना कोई जरूर आता है। और हमेशा सत्य की जीत होती है, हमेशा करप्शन का नाश ही होता है। तो आज एक बड़े अधिकारी का सर्वनाश हुआ है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं कल किसी नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।